वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में जिसमें हम बात करते हैं आज की ओवरऑल इंट्राडे मार्केट की कि इंट्राडे हमें कैसे मूव्स देखने मिले जो हमने आपको सेटअप दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने कैसे वर्क किया एंड फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल है हमारी वीकली एक्सपायरी तो आज की वीडियो एक्सपायरी स्पेशल होगी कैसी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे कैसे आप ट्रेड्स बना सकते हैं सब कुछ डिटेल में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है आपको फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि डेली आप ऐसी वीडियो मिस ना करें आज भी लेवल्स का मैजिक देखेंगे आप परफेक्टली मार्केट ने लेवल्स पे फिर से वर्क किया जो आपको सेटअप भी बताया था उसके अकॉर्डिंग भी बहुत परफेक्ट रेट्स मिले और आप गलत रेट्स से बचे भी हो गए अगर आपने हमारा सेटअप फॉलो किया था तो इतने परफेक्ट एनालिसिस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं सबसे पहले देखेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस तो अगर ओपनिंग की बात करें तो स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली थर्टी मॉर्निंग में काइंड kind ऑफ of इस लेवल के पास मार्केट ओपन हुआ था लेकिन उसके बाद फर्स्ट कैंडल से बहुत शार्प डिप लेकिन जहां तक ये डिप आया ना वो परफेक्टली क्या लेवल था देखिए मार्केट मॉर्निंग में बहुत वॉलट आईल है लेकिन लेवल्स पे वर्क कर रही है शार्प डिप आया ऑलमोस्ट टू हंड्रेड पॉइंट्स का एग्जैक्टली exactly कहां तक हमारे लेवल तक जो लेवल था थर्टी एट वन हंड्रेड और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूं आपको भी याद होगा ठीक है परफेक्टली इंपॉर्टेंट लेवल था डिप जरूर आया लेकिन लेवल क्या वर्क करता है सपोर्ट का और देखिए कितने शार्प मूव्स है बाउंस आता है और विद इन टेन मिनट्स टू हंड्रेड पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने को मिलता है कहाँ तक एक्जैक्टली exactly लेवल तक जो नेक्स्ट लेवल था थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड तो मॉर्निंग के फर्स्ट ट्वेंटी मिनट्स में एक्जैक्टली लेवल टू लेवल वर्क हो रहा है गैप ऑफ ओपनिंग हुई एक्जैक्टली exactly लेवल पे थर्टी एट थ्री हंड्रेड वहाँ से डिप आया परफेक्टली जो हमारा मेजर 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 सपोर्ट लेवल था थर्टी एट वन हंड्रेड वहाँ से फिर बाउंस आता है थर्टी एट थ्री हंड्रेड तक और वहाँ से फिर डिप आता है इसके बाद फिर मार्केट में डिप आता है अब काइंड kind of ऑफ दिख रहा है, 38, 100 हो रहा है है ब्रेक हो लेकिन यहां पे हम पुट्स में एंट्री करते हैं या कॉल्स में एंट्री करते यहां पे जो हमारा सेटअप है जो हम आपको डेली बेसिस पे बताते हैं यहां पे हमारी कॉल की एंट्री बनती थी और उसका रीजन लेवल नहीं है कि लेवल इंपॉर्टेंट है स्लाइटली नीचे भी आई है तो दोबारा बाउंस बैक करेगी नहीं इसका रीजन लेवल नहीं था इसका रीजन था सुपर ट्रेंड डिप जरूर आता है लेकिन ये पिन पॉइंट जहां तक डिप आ रहा है ना कल भी समझाया था कल एग्जैक्टली exactly डेलो हमने निफ्टी में किस से कैच किया था सुपर ट्रेंड से एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड का यहां सपोर्ट था इसीलिए यहां पे बाइंग बनती थी और फिर एक बहुत शार्प अपमूव आया ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स का अपमूव विद इन टेन मिनट्स आया एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड से तो सुपर ट्रेंड ने आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया था काइंड ऑफ आप इसे स्कैल्पिंग ट्रेड भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट दे गया था टू थर्टी पॉइंट्स का अपमूव विद इन टेन मिनट्स बहुत गजब का अपमू आया तो फर्स्ट टाइम आप सुपर ट्रेंड से बाइंग करते आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है थर्टी एट वन हंड्रेड इस बार ब्रेक तो हुआ है लेवल लेकिन कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली और साथ में सुपर ट्रेंड भी बाए था तो यहाँ पे हम शॉर्ट्स नहीं बनाते फर्स्ट टाइम शॉर्ट्स बनते ही नहीं है क्योंकि ना तो हमारे पास कंफर्मेशन है और सेकंड चीज़ सुपर ट्रेंड सपोर्ट बना रहा था उसके अगेंस्ट हम क्यों ट्रेड करेंगे सिंपल लॉजिक तो नहीं था यहाँ ट्रेड बाउंस आता है अब फिर मार्केट थर्टी के आसपास ही देखिए रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल यहीं पर टाइम स्पेंड कर रही है मार्केट फाइनली लेवल ब्रेक हुआ कन्फर्मेशन कैंडल भी बहुत क्लियरली मिल गई कंटिन्यूस आप देख रहे हैं कि कंफर्मेशन लेवल ब्रेक हो चुका है और कंफर्मेशन भी मिल चुकी है अब कल भी पूछा था देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ कंफर्मेशन कैसे मिलती है अगर लोअर साइड लेवल ब्रेक होगा तो एक कैंडल उसे ब्रेक करेगी एंड उसके बाद फॉलो अप कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी तो वो लेवल लोअर साइड ब्रेक होगा वही एग्जैक्टली हुआ सुपर ट्रेंड ने भी सेल साइन बना दिया यहाँ पे तो हमारा वो डाउट भी क्लियर हो चुका है कि सुपर ट्रेंड बाय था तो हमें ट्रेंड नहीं बनाना वो डाउट क्लियर है इसके अलावा हमने बहुत क्लियर आपको बताया था 38100 एट वन हंड्रेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इसके अब मार्केट बोलिश है और इसके बिलो मार्केट बेरिश है बहुत क्लियर ये सिंपल सी डिस्कशन थी हमारी याद होगा आपको इसके बिलो मार्केट आई लेवल ब्रेक हो चुका है कंफर्मेशन मिल चुकी है सुपर ट्रेंड ने सेल साइन दे दिया तो आप एंट्री बनाते हैं यहां पे और क्या अच्छा टारगेट आया बात ये नहीं है कि एंट्री मिल रही है सिर्फ आप एग्जिट पॉइंट देखो इसके बाद नेक्स्ट लेवल कहाँ था 300 पॉइंट्स दूर 300 पॉइंट्स का टारगेट था सीधा 37,800 ये लेवल था आप देखो लेवल ब्रेक होता है 38,100 और एग्जैक्टली मार्केट लेवल तक आती है नेक्स्ट परफेक्टली टारगेट तक तो ये मैजिक है लेवल्स का कि एंट्री तो आपको मिल रही है लेकिन एग्जैक्टली exactly लेवल तक मार्केट जा रही है उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट लेवल तक आई और लेवल फिर काइंड ऑफ मार्केट को दोबारा सपोर्ट देता है यहाँ से बाउंसेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मार्केट फिर थर्टी एट वन हंड्रेड को ब्रेक कर रही है अब अपसाइड ब्रेक हुआ तो तो बहुत सिंपल तो डिस्कशन थी कि थर्टी एट वन हंड्रेड की अबव रहेगी मार्केट तो आपको कॉल्स में एंट्री करनी है तो जब भी अबव आई आपको कॉल्स में एंट्री करनी थी बिलो गई तो पुट्स में एंट्री करनी थी परफेक्टली टारगेट दोनों साइड ही आए हैं यहाँ पर थर्टी एट थ्री हंड्रेड फिर से टारगेट था एग्जैक्टली अचीव हुआ उसके बाद फर्दर अप मूव भी आया लेकिन यहाँ थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला नेक्स्ट लेवल था थर्टी एट फाइव हंड्रेड और आज का डे हाई देखें तो ऑलमोस्ट आया थर्टी एट फोर सिक्सटी तो यहाँ स्लाइटली हमें डिफरेंस देखने को वाला लेवल तक एग्जैक्टली मार्केट लेवल पर नहीं गई और फिर से हमें डे एंड में रिवर्सल देखने को मिला जैसे ही हमें टिपिकल वेनजे दे मार्केट देखने को मिलती है मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में मार्केट एक रेंज में वर्क करती है बोथ साइड मूव देखने को मिलता है वही एग्जैक्टली exactly हो रहा था एंड आफ्टर टू पी एक ट्रेंडिंग मूव जो आज था डाउन ट्रेंड का मूव आप देखिए डाउन मूव में जब थर्टी एट वन हंड्रेड इस बार ब्रेक हुआ ना तो ये फिर से आपको परफेक्ट एंट्री दी इसने कि थर्टी एट वन हंड्रेड तक मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट मूव आता है और फिर से आप शॉर्ट्स बना के अच्छा फॉल फिर से कैच कर सकते थे ऑलमोस्ट टू फिफ्टी पॉइंट्स का तो ये ओवरऑल डे था जो सेटअप दिया था एक इंपॉर्टेंट लेवल उस लेवल ने परफेक्टली वर्क किया थर्टी एट वन हंड्रेड ने तो एक्सपायरी में क्या करें थर्टी एट वन हंड्रेड के बिलो आ गई है फिर से मार्केट कल स्लाइटली अपसाइड क्लोजिंग आई थी आज स्लाइटली लोअर साइड क्लोजिंग आई है तो कल के लिए भी देखिए बहुत क्लियर है इसके बिलो है ना मार्केट अभी तो कॉल्स में एंट्री इस लेवल के अबव ही बनाएंगे मेजर लेवल है हमारा इस अभी इसके स्लाइटली बिलो है ऑलमोस्ट टू पॉइंट्स तो जब ये लेवल अपसाइड ब्रेक होगा तो हम कॉल्स में एंट्री करेंगे बहुत सिंपली मेजर लेवल है तो अपसाइड ब्रेकआउट देने दो मार्केट को तब कॉल्स में एंट्री करनी है फर्दर लेवल्स और टारगेट ये हैं थर्टी एट थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपके फर्दर लेवल्स और टारगेट्स होंगे थर्टी एट वन हंड्रेड के अबव ही कॉल्स में एंट्री करनी है ब्रेकआउट मिलने दो मार्केट में तब कॉल्स में एंट्री करेंगे और पुट्स में एंट्री कब करें पुट्स में एंट्री का भी बहुत सिंपल लॉजिक है आज डे लो कहाँ बना आज मार्केट में पहली बार रिवर्सल कहाँ से आया था कहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया था हमारे लेवल पे ही लिया था ना क्या लेवल था थर्टी सेवन एट हंड्रेड तो जब थर्टी सेवन एट हंड्रेड लेवल लोअर साइड ब्रेक हो तो पुट्स में एंट्री करेंगे कि ब्रेक डाउन मिल रहा है मार्केट में मेजर फॉल आने वाला है सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो पुट्स में एंट्री करेंगे ठीक है बहुत सिंपल लॉजिक है या तो ब्रेकआउट मिले क्योंकि कल है एक्सपायरी ठीक है तो या तो ब्रेकआउट मिले तो कंटिन्यूस अपमूव देखेंगे और फिर हम कॉल्स में एंट्री करेंगे या मिले मार्केट में ब्रेकडाउन लोअर साइड जो आज का सपोर्ट था मेजर सपोर्ट रहा जहाँ से मार्केट ने आज बहुत अच्छा रिवर्सल दिया वो लेवल लोअर साइड ब्रेक होता है तो पुट्स में एंट्री करेंगे ठीक है तो थर्टी सेवन एट हंड्रेड की बिलो पुट्स में एंट्री और थर्टी एट वन हंड्रेड की अबव कॉल्स में एंट्री लोअर साइड टारगेट्स क्या होंगे थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड नॉर्मली तो हमारा लेवल नहीं है लेकिन कल क्यों क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट फाइव हंड्रेड के मल्टीपल्स पे वर्क करती है ठीक है, थर्टी एट थाउजेंड के आसपास तो कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा इसलिए यहाँ हम लेवल डिस्कस ही नहीं कर रहे क्योंकि थर्टी एट वन हंड्रेड के अबव कॉल में एंट्री और थर्टी सेवन एट हंड्रेड के बिलो पुट्स में एंट्री है तो थर्टी एट थाउजेंड का तो कहीं रोल ही नहीं है और अपसाइड साइड थर्टी एट फाइव हंड्रेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लोअर साइड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड कल के लिए सिर्फ लेवल है क्योंकि कल 500 के मल्टीपल्स पे बैंक निफ्टी वर्क करती है एक्सपायरी है कल तो लोअर साइड 37,800 सेवन एट हंड्रेड के बिलो जब पुट्स में एंट्री बनाओगे तो टारगेट होंगे थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी एंड 37,500 सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिंपल सा हमारा सेटअप है कल के लिए लॉजिक मैंने बहुत क्लियरली आपको बता दिया है थर्टी एट वन हंड्रेड मेजर लेवल है बहुत टाइम से बताते आ रहे हैं ब्रेकआउट मिलेगा तो अपसाइड की एंट्री थर्टी सेवन एट हंड्रेड हमने लेवल क्यों सेलेक्ट किया क्योंकि आज का डे लो वहीं बना और वहां से काफी डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिला है हमें रिवर्सल इसीलिए ये लेवल लोअर साइड ब्रेक होगा तो पुट्स में एंट्री करेंगे ट्रेंड को फॉलो करना है हमें सिंपली ठीक है ये तो ब्रेकआउट मिले या ब्रेकडाउन तब हम ट्रेड बनाएंगे टारगेट्स आपके पास ऑलरेडी है लेवल्स गजब से वर्क करते हैं बैंक निफ्टी का सेटअप है होप आपको क्लियर होगा कोई डाउट है फिर भी पूछ सकते हैं लेकिन होप आपको क्लियर होना चाहिए बहुत सिंपल सेटअप है दो लेवल्स हैं जो आपको कल वॉच आउट करने अप साइड एंड लोअर साइड उसके अकॉर्डिंग कल ट्रेड्स बनेंगे बैंक निफ्टी में अब निफ्टी की डिस्कशन कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या करें और क्या हुआ आज क्या डिस्कशन थी है हमारी है हमारा निफ्टी का चार्ट यहां देखिए यहां भी ओपनिंग स्लाइटली पॉजिटिव हुई थी ऑलमोस्ट हमारे जोन में सेवनटीन फोर हंड्रेड टेन से फोर थर्टी मॉर्निंग में यहाँ भी मार्केट वॉलिटाइल थी लेकिन यहाँ भी आप एक बहुत परफेक्ट ट्रेड कैच कर सकते थे मॉर्निंग में देखिए जैसे बैंक निफ्टी में शार्प डिप आया था ना निफ्टी में भी शार्प डिप आया था एग्जैक्टली exactly यहाँ पे बैंक निफ्टी में तो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था थर्टी एट वन हंड्रेड वहाँ से बाउंस आया और निफ्टी में पता है क्या था वही हमारा प्यारा सा इंडिकेटर सुपर ट्रेंड यहाँ परफेक्ट सपोर्ट था सुपर ट्रेंड का और एग्जैक्टली exactly यहाँ से बहुत शार्प बाउंस आया ऑलमोस्ट हंड्रेड पॉइंट्स का बाउंस विद इन टेन मिनट्स आपको मिल जाता अगर आपके पास सुपर ट्रेंड मार्क होता है एग्जैक्टली सपोर्ट से हंड्रेड पॉइंट्स का बाउंस बैक देखने को मिला है तो, तो मॉर्निंग में ही आपको बहुत परफेक्ट ट्रेड मिल चुका था सुपर ट्रेंड से हंड्रेड पॉइंट्स का मूव आप कैच कर सकते थे जो सबका अपमूव आया फिर मार्केट जोन तक आई जोन पर रजिस्टेंस फेस करती है ठीक है तो कॉल की एंट्री तो बना सकते थे हमारी वैसे भी डिस्कशन थी सेवन थ्री फिफ्टी के एंट्री अब बाउंस आ गया सुपर ट्रेंड वाला ट्रेड परफेक्टली वर्क करता है उसके बाद मार्केट में डिप आता है ठीक है अब डिप्स में भी ना, में हम पुट्स एंट्री नहीं करते डिप आ रहा है जरूर अच्छा डिप आ रहा है डिसेंट डिप ऑलमोस्ट मार्केट 95 फाइव पॉइंट नेगेटिव चली गई थी लेकिन कल की अगर आपको वीडियो याद है तो मैंने क्लियरली कहा था अगर मार्केट 100 पॉइंट्स भी नेगेटिव चली जाती है ना तो भी हम पुट्स में एंट्री नहीं करेंगे ठीक है बहुत सिंपली आपको लॉजिक के साथ समझाया था कि अगर मार्केट 100 पॉइंट्स भी नेगेटिव चली जाती है तो भी हम पुट्स में एंट्री नहीं करेंगे यहां देखिए अगर आप लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाने जा रहे हैं ना यहां तो आप पुट्स में एंट्री कर लेते क्योंकि देखो आप सेवेंटीन थ्री हंड्रेड इस कैंडल से ब्रेक भी हो रहा है ये कैंडल कंफर्मेशन भी दे रही है तो आप नॉर्मली लॉजिक के अकॉर्डिंग पुट में एंट्री कर लेते लेकिन हमारी बहुत क्लियर डिस्कशन थी कि पुट में एंट्री हम सिर्फ और सिर्फ 17225 लेवल के बिलो ही करेंगे क्योंकि ऐसा रिवर्सल एक्सपेक्टेड था अगर मार्केट 100 पॉइंट भी फॉल होती है ना तो वहां से भी बाउंस बैक कर सकती है बहुत क्लियरली आपको कहा था और मार्केट ने फिर उसे प्रूव कर दिया देखो डिप जरूर आया लेवल भी ब्रेक हो रहा है कंफर्मेशन भी मिल रही है सब कुछ हो रहा है मार्केट में लेकिन हमारा एल सिंपल था कि जब तक सेवनटीन लेवल ब्रेक नहीं होगा आपको पुट्स में एंट्री नहीं करनी है नहीं करते तो आप स्ट्रेट से बच जाते और वहाँ से अच्छा रिवर्सल देखने को मिला कॉल की एंट्री दो सेवनटीन थ्री फिफ्टी अबव थी और वहीं बनानी थी यहाँ पे ब्रेक भी हुआ कंफर्मेशन भी मिली और अच्छा आप मूव देखने को मिला सेवनटीन फोर नाइन्टी के आसपास ऑलमोस्ट मार्केट ने डे हाई लगाया तो सेवनटीन थ्री फिफ्टी से भी देखेंगे तो वन फोर्टी पॉइंट्स का आप मूव गजब का मूव देखने को मिला हां यहां लेवल था 17, 500, लेकिन उससे टेन पॉइंट पहले मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला जैसे बैंक निफ्टी में फोर्टी पॉइंट पहले रिवर्सल आया था निफ्टी में भी आज टेन पॉइंट का गैप था ठीक है लेकिन जो सेटअप था उसने परफेक्टली वर्क किया सेवनटीन थ्री फिफ्टी के अबव कॉल में एंट्री करनी थी सेटअप फॉलो किया होगा तो आपको आराम से कॉल की एंट्री मिली मॉर्निंग में सुपर ट्रेंड से भी एंट्री मिली सेकेंड टाइम जो हमने आपको ट्रेड बताया था उसने भी परफेक्टली वर्क किया और 140 फोर्टी पॉइंट का अपमूव देखने को मिला डे एंड में मार्केट में सेल्फ आया स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग आई है बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केट क्लोज नहीं हुआ है स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग आई है लेकिन आज बिल्कुल परफेक्टली अगर आपने सेटअप फॉलो किया था तो आप कॉल की एंट्री को ही ढूंढते और उन एंट्री से परफेक्टली बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे तो सेटअप जरूर फॉलो कीजिए डेली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को कल भी बताया था कि मार्केट एक स्ट्रेंथ में है मार्केट को अगर रिवर्स होना है ना तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा तो मार्केट में दिखेगा कि रिवर्सल आ रहा है अदरवाइज मार्केट 100 पॉइंट्स भी फॉल होती तो बाउंस बैक कर सकती है और एक्जैक्टली exactly वही हो गया आज जो कल स्टेटमेंट दी थी एक्जैक्टली exactly वही हो गया 95 पॉइंट्स का फॉल आया और वहीं से रिवर्सल देखने को मिल गया तो ध्यान से जो चीज़ें समझाते हैं उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है तो ये तो बात है इंटरडे मार्केट की परफेक्टली सेटअप ने फिर से वर्क किया कल के लिए डिस्कशन करते हैं कल क्या लेवल्स है तो कल जो हमारे नॉर्मली ये लेवल्स मार्क है ये लेवल्स नहीं है सिंपली आपको हर एक्सपायरी में बताते हैं एवरी फिफ्टीज पे आपको मार्क करना है और वो लेवल्स यूज करने तो लेवल्स क्या होंगे सेवनटीन थ्री फिफ्टी और सेवनटीन एवरी फिफ्टीज पे अपसाइड लेवल है और लोअर साइड सेवनटीन थ्री हंड्रेड सेवनटीन टू फिफ्टी एंड सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड लेवल हमारे लोअर साइड सपोर्ट लेवल्स हैं सिंपली फिफ्टी के मल्टीपल्स को आपको मार्क करना है और वो लेवल्स यूज करने हैं ये जो डेली बेसिस पे लेवल बताते हैं ये नॉर्मल डेज के लिए एक्सपायरी के लिए आपको ये लेवल्स यूज करने हैं ठीक है अब ये लेवल्स तो क्लियर है ट्रेड कैसे बनाना है देखिए अपसाइड का ट्रेड कब बनाना है आज क्या डिस्कशन थी 17350 के अबव कॉल में एंट्री आप देखो डे दे एंड में बाउंस जरूर आ रहा है 17300 से 350 लेकिन 350 ब्रेक नहीं हुआ उसके अबव कॉल में एंट्री थी वो यहाँ पे मिली थी और यहाँ से अच्छा मूव आया तो कल भी सिंपल सेम वही सेटअप है 17350 के अबव कॉल में एंट्री करेंगे ठीक है और पुट में एंट्री कब करेंगे आज का डेल ऑलमोस्ट कहाँ बना है एग्जैक्टली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सेवनटीन के आसपास बना है तो इस डे लो के बिलो हम पुट्स में एंट्री करेंगे ठीक है सेटअप क्लियर हो रहा है फिर से बता देता हूँ सेवनटीन थ्री फिफ्टी लेवल जो कल भी डिस्कस किया था उसके अबव कॉल में एंट्री है अगर वो अपसाइड ब्रेक होता है तो कॉल में एंट्री करनी है ठीक है और टारगेट्स क्या होंगे सेवनटीन फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी और फाइव हंड्रेड एवरी फिफ्टी लेवल पे और पुट्स में एंट्री कब करनी है सेवनटीन टू फिफ्टी के बिलो जहाँ ऑलमोस्ट डे लो लगा था ऑलमोस्ट कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली नहीं लगा था इस लेवल के बिलो आज का डे लो भी ब्रेक होगा और इस लेवल के बिलो फिर आप पुट्स में एंट्री कर सकते हैं टारगेट सेवनटीन टू हंड्रेड सेवनटीन वन फिफ्टी और सेवनटीन वन हंड्रेड एवरी फिफ्टी इस पर है तो वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है आप सिंपली सेल्फ मार्क कर सकते हैं तो होप आपको निफ्टी का भी सेटअप क्लियर है थ्री फिफ्टी के अबव कॉल में एंट्री एंड टू फिफ्टी के बिलो पुट्स में एंट्री लॉजिक मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है होप आपको सेटअप क्लियर होगा कोई भी डाउट्स से, है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय टेक केयर